संगीता बिजलानी की पहली फिल्म आती है कातिल, 1988 में रिलीज हुई और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। 1989 में इनकी एक और फिल्म आती है त्रिदेव और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट करार दी गई। 1989 में इनकी अगली फिल्म आती है हथियार और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। 1990 में इनकी एक और फिल्म आती है हातिम ताई और दोस्तों ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट करार दी गई। 1990 में इनकी एक और फिल्म आती है जुर्म और ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर हिट डिक्लेयर की गई। इसी साल इनकी अगली फिल्म आती है गुनाहों का देवता और दोस्तों ये फिल्म एवरेज रही। इसी साल इनकी एक और फिल्म आती है पाप की कमाई और ये फिल्म फ्लॉप रही। 1991 में इनकी अगली फिल्म आती है विष्णु देवा और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही। 1991 में इनकी एक और फिल्म आती है युद्धा और ये फिल्म फ्लॉप रही। 1991 में इनकी अगली फिल्म आती है नंबरी आदमी और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। 1991 में ही इनकी अगली फिल्म आती है खून का कर्ज और दोस्तों ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। 1991 में ही इनकी अगली फिल्म आती है गुनाहगार कौन और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर रही। 1991 में इनकी एक और फिल्म आती है इज्जत और दोस्तों ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज करार दी गई। 1991 में इनकी एक और फिल्म आती है शिवराम और दोस्तों ये फिल्म फ्लॉप रही। 1991 में इनकी अगली फिल्म आती है लक्ष्मण रेखा और दोस्तों ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। 1991 में इनकी अगली फिल्म आती है इंस्पेक्टर धनुष और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर करार दी गई। 1993 में इनकी अगली फिल्म आती है गेम और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर रही। इसी साल इनकी अगली फिल्म आती है तहकीकात और ये फिल्म भी फ्लॉप रही। 1993 में इनकी अगली फिल्म आती है योगिंदर और दोस्तों ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज डिक्लेयर की गई। 1996 में इनकी अगली फिल्म आती है नरबे और दोस्तों ये फिल्म फ्लॉप रही। 1996 में इनकी आखिरी फिल्म आती है जगन्नाथ और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर रही। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए।